आज मैं लेके आई हूँ व्रत स्पेशल सामक के चावल का हलवा। अगर आपने एक बार ही व्रत में हलवा बना के खा लिया तो आप इसके फैन हो जाएंगे। जब भी व्रत रखेंगे ये हलवा जरूर बनाएंगे। इतना टेस्टी बन के तैयार होता है, बिना किसी ताम झाम के हम मिनटों में टेस्टी हलवा बना के तैयार करेंगे। व्रत में आप ये हलवा बना के खाएंगे तो पूरे दिन शरीर में एनर्जी रहेगी। नमस्ते दोस्तों, पुष्पा की पाकशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेके आई हूँ आसान सा वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो इसके लिए मैंने ले लिए सामक के चावल। हम इसको सामा भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको समा के चावल भी बोलते हैं। तो मैंने एक कप ले लिया है, उसमें सारा काम मैं एक ही कप से करूँगी। तो इस तरह से एक कपड़े पर डालूँगी और अच्छे से साफ कर लूँगी, जो भी डस्ट वगैरह है वो साफ हो जाए। तो मैंने कपड़े में साफ कर लिया, इसको मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से मैं पीस लूँगी। तो मैंने इसका पाउडर बना लिया। ये दरदर सा ही पीसता है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसता है, जैसे सूजी है इस तरह के दाने रहेंगे। तो मैं सेम कप में दूध ले लूँगी। दूध ये गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध, और थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना आपको, और मिक्स करेंगे, ज़रूरत लगेगी तो और डालेंगे। थोड़ा सा दूध मैं और डालूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करके मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से फूल जाए, जो दूध है वो सोख ले। तो आपको ज़्यादा दूर नहीं डालना, बस इस तरह से मिक्स करके इसको ढक्कन लगा के रख देना है थोड़ी देर के लिए। मैंने 15-20 मिनट रख दिया था, पूरा दूध सोख लिया है और अच्छे से जो समा के चावल फूल गए। अब सेम कप से मैं आधा कप के करीब चीनी ले लूँगी और निकालूँ, क्योंकि हम सारा नाप एक ही कप से करने वाले हैं। आप कोई भी कप कटोरी ले लें। ये मैंने नॉर्मल पानी गर्म चढ़ा दिया है। पानी आप डालते समय नाप कर ले, पहले ऐसे ही चढ़ा दे, नाप की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने इसमें चढ़ाया, आप गैस पे भी गरम करके ढक्कन लगा के रख सकते हैं। अब सेम कप से मैंने आधा कप घी ले लिया है, और घी सारा नहीं डाला है, थोड़ा सा पीछे रख लिया है, ज़रूरत के अनुसार हम डालेंगे। इसके अंदर जो हमने मिक्सर बना के रखा था समा के चावल का, वो इसके अंदर डाल देंगे और मीडियम आंच पे इसको चलाते हुए पकाएंगे। जो पीछे बचा था घी उसको भी मैं थोड़ा डाल दूँगी सारा ही, क्योंकि मुझे कम लग रहा है। और इसको इस तरह के होने तक पकाना है। जब ये पक जाएगा तो हल्की हल्की खुशबू भी आने लगेगी, थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, पूरे जो है दाने खिले खिले से हो जाएंगे, इस तरह का दिखेगा। मतलब हमारा मिश्रण है वो परफेक्ट तैयार है। तो इस तरह से आप हलवा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो एक बार ये वीडियो देख के ज़रूर बनाएं। मैंने एक कप गर्म पानी ले लिया है, नॉर्मल डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। गैस के आँच आप एक बार धीरे कर दें। जैसे ही हम पानी डाल के मिक्स करेंगे तो जो ये हलवा है घी छोड़ने लगेगा। मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर और डालूंगी, क्योंकि मुझे कम लग रहा है। तो मैं आधा कप से भी थोड़ा सा कम लेके इसमें डालूंगी। अगर आपको ज़रूरत लगे तो वो डालें, नहीं तो हलवा है वो गीला हो जाएगा, तो आप थोड़ा थोड़ा डालें। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर चीनी डाल दूंगी। मीठा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर ले लिया है और इसको चलाते हुए हम पका लेंगे। तो आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और एक बार ये वीडियो देख के इस तरह से हलवा ज़रूर बनाइए। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और इसमें स्वाद बिल्कुल मावे जैसा आता है। तो थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट ले लूँगी। अच्छे से हलवा हमारा पक चुका है। थोड़े बादाम पिस्ता की मैंने कतरन ले लिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने पीछे रख लिए, क्योंकि हम ऊपर से हलवे को डेकोरेट करेंगे, मिक्स कर देंगे इसको। हलवा हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो घी छोड़ दिया है जो, वो आप कोई कटोरी में निकाल लें, क्योंकि ज़्यादा घी मुँह में आता है तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने गैस से नीचे उतार लिया है और मैं एक बर्तन में निकाल दूंगी। ये हलवा आप झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये वीडियो देख के आप व्रत में ज़रूर बना के खाएं, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है, तो सावन सोमवार के लिए ये हलवा बेस्ट है, आप व्रत में ज़रूर बनाएं। मैंने एक बर्तन में निकाल दिया, और इसका आप कलर देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टेस्टी बना होगा। जितना ये दिखने में अच्छा दिख रहा है, उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी बना। मैंने ऊपर से थोड़ा पिस्ता और बादाम की कतरन से डेकोरेट कर दिया है, और ये दिखने में बिल्कुल मावे जैसा लग रहा है, और इसको बनाने में बिल्कुल कम टाइम लगता है। और ये सामक के चावल है, हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। तो ये वीडियो देखकर आप ज़रूर बनाएं। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं हम नेक्स्ट।